हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शेयर के रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ, पहले भी बताया था जब वो शेयर 3400 पे था, आज लगभग 5400 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और आज गिरावट हुई है। तो जब भी गिरावट हो उस शेयर को ख़रीदना है, और इसका टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल के अंत तक लगभग 10,000 रुपये तक, 5,000 का शेयर 10,000 रुपये तक पहुँच जाएगा। तो उसके रिलेटेड बातें करेंगे, बट बिफोर दैट उस पर आगे बढ़े मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग के साथ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के साथ, जीरो डिलीवरी चार्जेस, से भी रजिस्टर्ड नंबर वन ब्रोकर इंडिया का। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए, लगभग 52 वीक लो मार्च में 1581 रुपये का शेयर था। 52 वीक हाई की बात करूँ तो लगभग 5880 रुपये का शेयर लगभग 6 मार्च को, 6 जैन को, मतलब आज के दिन ही यहाँ पर देखिए जंप हुई थी। बट यहाँ पर से अगर आप देखेंगे ना, तो 600 रुपये लगभग ये शेयर गिरा हुआ है, और लगभग कितना 5200 पे ये शेयर चल रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अभी 600 रुपये गिरा है, अगर और थोड़ा बहुत गिरता है तो इस कंपनी को के शेयर को एक्युमुलेट कर देना, क्योंकि आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 10,000 रुपीज़ तक जाएगा। और वो भी मेरे को लगता है, जो मुझे लगता है पर्सनली, कि 6 मंथ से या फिर इस ईयर के एंड तक 10,000 रुपये ये क्रॉस कर लेगा। क्यों, इसके पीछे रीज़न है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स के पास 38.47% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक के पास 61.38%, एज वेल एज देखिए डिविडेंड। डिविडेंड तो कंपनी 2019 में 3 बार डिविडेंड यहाँ दिया है, 2020 में यहाँ पर 1 बार डिविडेंड दिया है। और कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, न्यू कंपनी है। और जिस कंपनी से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, वो कंपनी का नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कंपनी का नाम है Naukri.com। और यहाँ पर वीडियो को क्लोज करके मत चले जाइए, पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ क्या रीज़न है इसके पीछे भागने के। सबसे पहले तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2006 में कंपनी आई थी, ओके। और उसके बाद क्या इस कंपनी ने रफ्तार बढ़ाई है। और अगर हम 1 साल की बात करें तो देखिए, यहाँ पर से ये शेयर यहाँ पर गिरा, ओके, 2000 के आसपास, 1700 रुपये के आसपास ये शेयर आया। और उसके बाद जो इसने रिटर्न्स दिए हैं, आपके मल्टी बैगर रिटर्न्स है, कितने परसेंट के रिटर्न्स है अगर हम देख लेते हैं, तो लगभग 210% के रिटर्न इसने आपको विद इन 9 मंथ्स आपको दे दिए है। और अगर बात करूँ, जो मैंने आपको शेयर जब सजेस्ट किया था, तो लगभग 3460 रुपये से 3460 रुपीज़ का ये शेयर चल रहा था। अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि 10,000 रुपये बढ़ जाएगा? तो इसके पीछे देखिए दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, इन्फो एज जो कंपनी है ना, इसे नौकरी के नाम से भी जानते हैं, और इसके जो शेयर है, ओके, इसमें ने इस ये मतलब इन्वेस्ट कर रखा है अलग अलग कंपनीज में। तो अगर जोमेटो की बात की जाए, तो जोमेटो जो कि अच्छा खासा आपको पता ही है डिलीवरीज करता है फूड की, 22.7% स्टेक नवंबर एज सेप्टेम्बर 2020 तक थे। पॉलिसी बाजार आपको पता ही है कितना बड़ा इनका ऑनलाइन बिजनेस है, तो 15.1% स्टेक, और ये बिजनेस आगे बहुत आगे ग्रो करने वाले हैं। और एज वेल एज अगर हम बात करें दूसरे और भी चीज़ की, तो देखिए Naukri.com, 99acres, तो इन सभी में, शिक्षा.com, इन सभी में इसके बहुत बड़े बड़े मतलब इस सभी में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। और देखिए जैसे कि न्यूज़ आ रही है, जोमेटो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो जोमेटो ने यहाँ पर कल की डेट में ही प्रॉफिट अपना, देखिए फाइनेंशियल 20 लूजिस 12.2451 करोड़, वाइल रेवेन्यू जम्प्स 98%, मतलब 98% इसके जंपिंग। और एक और न्यूज़ जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, देखिए, अहेड ऑफ लाइकली वन IPO इन 2021, तो इसका 2021 में IPO आने वाला है। और जैसे कि बताया जा रहा है कि इसने का जो मार्केट कैपिटल हो गया है लगभग $4 बिलियन हो गया है। अगर बात की जाए तो लगभग 28 और 30 थाउजेंड करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल होगा। इसके 22% शेयर किसके पास है? इस कंपनी के पास है, Naukri.com। एज वेल एज मैं एक और बताना चाहता हूँ, पॉलिसी बाजार, तो पॉलिसी बाजार का भी IPO आने की काफ़ी न्यूज़ आ रही है, कि पॉलिसी बाजार का भी IPO आ सकता है। जैसे कि IPO एज स्टार्टअप लाइक जोमेटो, डिलीवरी एंड पॉलिसी बाजार, अगर पॉलिसी बाजार का भी IPO आता है, तो देखिए ये सारी की सारी दिग्गज कंपनी है, IT कंपनी है, डिजिटलाइज कंपनी है, तो आगे चल के इनको स्कोप बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे ना, तो ये शेयर जो मैं आपको बता रहा हूँ Naukri.com, ये ब्लास्ट करेगा, ये बहुत भागेगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आज के दिन ही अगर ओवरऑल गिरावट की भी बात करूँ ना, तो लगभग 10% की गिरावट हुई है शेयर में। नॉर्मल अगर बात की जाए आज के दिन हाई से,
तो 10% गिरावट पर ये शेयर आपको मिल रहा है, तो इसे एक्यूमुलेट करना बिल्कुल मत भूलना। फ्यूचर में आने वाले टाइम में जैसे ही IPO आएंगे जोमेटो और इन सब के, तो 10,000 रुपये ये ईजिली क्रॉस कर लेगा। और ये और कुछ पैरामीटर्स भी देख लेते हैं। देखिए 70,000 करोड़ रुपये का इसका मार्केट कैपिटल है, ओके। एज़ वेल एज़ अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर की, शेयर ऑलमोस्ट डेट फ्री है। सेल्स देख लीजिए, 2018 में 277 करोड़ रुपये की सेल्स थी, जो कि अभी तो देखिए बीच में गिरावट आ गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, ओके। तो अभी भी नहीं, अगर हम सितंबर की बात करें 261 की यहाँ पर सेल्स है। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट देखिए क्या माइनस में चल रहा था यहाँ पर, वो 328 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है। अगर आप ईयर ईयर ऑन ईयर बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पे हम प्रॉफिट देख लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेस पे देखिए लगभग अभी तक ये 12 महीने में लगभग 37 और 38 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में नेगेटिव था। क्यों नेगेटिव था? क्योंकि आपको पता ही है जो इनके बिजनेस है जोमेटो वगैरह, मोस्टली ये बंद थे, बीच में शुरू हुए थे तो फिर उसके बाद बिजनेस, और बिजनेस शुरू होते गए तो यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हैं। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन बैलेंस शीट है। यहाँ पर देखिए रिजर्व्स, रिजर्व्स लगभग 4,335 करोड़ रुपये के तो इस कंपनी के पास रिजर्व्स है। बोरिंग की बात की जाए, पहले कुछ बोरिंग नहीं थी बट अभी लगभग 69 करोड़ रुपये की बोरिंग है, जो कि मार्च से इन्होंने देखिए यहाँ पर कम कर लिया है। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, 1,242 करोड़ रुपये का यहाँ पर अलग से इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और अगर हम बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो 1,973 करोड़ रुपए का तो इनके पास कैश है, मतलब इनकी जेब में कैश है कि अगर कभी भी जरूरत पड़े तो यहां पर यूज कर ले। 350 करोड़ रुपए का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 38.47% की हिस्सेदारी है, जो कि थोड़ी सी स्लाइटली इन्होंने कम करी है। फॉरेन इन्वेस्टर देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ भर भर के हिस्सेदारी ले रखी है, लगभग 39.16% की हिस्सेदारी है। इनमें से आप यहाँ पर नाम देखेंगे तो ये सारे के सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स है। एज वेल एज अगर DIS की बात की जाए डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी 12.83% की हिस्सेदारी है। इसमें एक्सिस, UTI, SBI ये बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देंगे। अगर बात की जाए पब्लिक की, तो यहाँ पर देखिए पब्लिक के पास 9% की हिस्सेदारी है, 9.39% की हिस्सेदारी है। इनमें से भी देखिए मेन जो बड़े बड़े ये लोग हैं, इन्होंने लगभग 2% 1% की हिस्सेदारी ले रखी है, तो और अदर्स के पास 0.15% की हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी, मतलब प्रमोटर्स होल्डिंग भी सब कुछ अच्छी है, और जो भी शेयर्स है देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स और इनको मिला के लगभग 70-80% की शेयर्स तो देखिए इन्हीं के पास है। अगर यहाँ पर बात की जाए 80 और DIS की भी बात की जाए 90, तो 90-95% की हिस्सेदारी तो किसके पास है? DIS, फॉरेन इन्वेस्टर, प्रमोटर्स। तो आप खुद सोचिए कि ये कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए, ये आगे चल के ब्लास्ट करने वाली है, मल्टी बैगर रिटर्न करने वाली है। और जितने भी ये गिरे, जिस गिरावट पे आपको मिले, तो आप इस शेयर को एकुमुलेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे ये जोमेटो पॉलिसी बाज़ार के IPO आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली भागेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा। नीचे आपका डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एज वेल एज हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे इस चैनल पर सर फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।